गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दुर्गेंद्र प्रताप जमडीआई मिल्कीपुर से आप लोगों के लिए आज संस्कृत विषय में पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदासा के बारे में पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं प्रथमा पाठा पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदासा यानी कवि कुल के गुरु कालिदास। महाकवि कालिदासा संस्कृत कवि नाम मुकुट मणि अस्ति। महाकवि कालिदासा माने महाकवि कालिदास। संस्कृत कवि नाम मतलब संस्कृत कवियों के। मुकुट मणि मतलब मुकुट में इस प्रकार मणि लगता है उसी प्रकार कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुट मणि हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुट मणि हैं। न केवलम भारत देशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एक तमो अस्ति। ना केवल मतलब ना केवल भारत देश मतलब भारत देश के अपित मतलब बल्कि समग्र मतलब संपूर्ण विश्वस्य मतलब विश्व के संसार के उत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ कविषु मतलब कवियों में सा मतलब वे एक तो मतलब एक है। ना केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वे एक हैं। फिर लिख लीजिए, ना केवल भारत देश के बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वे एक हैं। तस अनुवाद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। तस मतलब उनकी, अनुवाद्या मतलब प्रशंसनीय, कीर्ति मतलब यश, कौमुदी मतलब चांदनी, उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी। देश मतलब देश में, देशांतरेषु मतलब विदेशों में, प्रसिद्धा अस्ति मतलब फैली हुई है। उनकी प्रशंसनीय यश रूपी चांदनी देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देश से जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणा सा न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वैः आद्यते। भारत देश मतलब भारत देश में जन्म लब्ध्वा मतलब जन्म को प्राप्त करके स्व मतलब अपने कवि का वर्णन करते हैं कवि कर्म के द्वारा मतलब कि अपने कवि रूपी कर्म के द्वारा। देववाणी देववाणी मतलब देवताओं की वाणी क्या है संस्कृत। अलंकुरवाणा मतलब सुशोभित करते हुए सा मतलब वे न मतलब नहीं केवल मतलब केवल भारतीय कवि मतलब भारतीय कवि अपित मतलब बल्कि विश्व कवि के रूप में मतलब इस प्रकार सर्वै मतलब सबके द्वारा आदित्य मतलब सम्मानित किए जाते हैं। भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म के द्वारा देववाणी संस्कृत को सुशोभित करते हुए या अलंकृत करते हुए वे न केवल भारतीय कवि के रूप में बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं या आदर प्राप्त करते हैं। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ। वाग देवता भयभूतस्य प्रतीतयशसा कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। वाग देवता आभरण भूतस्य, वाग देवता मतलब संस्कृत की जो देवी है क्या है, वाग देवता भाग मतलब होता है कि सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप। प्रथित यश मतलब प्राप्त यश,
सरस्वती देवी के आभूषण रूपी प्राप्त यश कालिदास, मतलब कालिदास का जन्म, मतलब जन्म कश, मतलब किस प्रदेश में, मतलब प्रदेश में, काले मतलब समय में, कुले मतलब परिवार में, क्या मतलब और अवध मतलब हुआ था, किंचित आसीत मतलब कुछ भी पता नहीं है, तत जन्म वित्तम उनके जन्म वित्तांत के बारे में, इत मतलब इस प्रकार, सर्व मतलब सभी के द्वारा, अज्ञा मतलब आज भी, विवाद कोटि मतलब विवाद कोटि है मतलब की विवादित है, ना अतिक्रमात ना नहीं अथवा मतलब अतिक्रमण करता है, यह मतलब चिंता नहीं है। फिर से देखिए आप इसका, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्राप्त यश कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, समय में, कुल में हुआ था, उनका जन्म वृतांत कुछ भी मालूम नहीं है, आज भी सबके द्वारा विवादित होने पर भी उनका यश अतिक्रमित नहीं होता है, सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्राप्त यश कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, समय में, कुल में हुआ था, उनका जन्म वृतांत कुछ भी पता न होने पर भी सभी के द्वारा आज भी विवाहित होने पर अतिक्रमित नहीं करता है। इतर कवय इव कालिदास आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः दितमौन एव अस्ति। इतर कवय मतलब दूसरे कवि के, इव मतलब समान, कालिदास मतलब कालिदास, दूसरे कवि के समान कालिदास आत्मज्ञापने मतलब अपने द्वारा स्वकृति, स्वकृति मतलब अपने कृतियों में, प्राय मतलब प्राय, दितमौन मतलब शांत, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, दूसरे कवियों के समान कालिदास अपने द्वारा लिखे हुए कृतियों में प्राय शांत ही हैं। अन्य अपि कवयः तन्नाम संकीर्तनम मात्रदेव स्वायाम वाचम धन्याम मत्वा मौनम अवलंबते। अन्य मतलब दूसरे भी, कवय मतलब कवि, तन नाम मतलब उनके नाम, संकीर्तन मतलब उच्चारण करके या याद करके, माता देव मतलब मात से ही, स्वयाम मतलब अपनी, वाचम मतलब बाड़ी, धन्याम मतलब धन्य, मत्वा मतलब मान करके, मौनम अवलंबते मतलब शांत हो जाते हैं। दूसरे कभी भी, दूसरे कभी भी उनके नाम मात्र का उच्चारण करने से ही, दूसरे कभी भी उनके नाम मात्र का उच्चारण करने से ही अपनी बाड़ी को धन्यवान का शांत हो जाते हैं। तथापि अंतः बही साक्ष्यम अनुस्वित्य समिच्छका कभी परिचयम यावत इच्छकम प्रस्तुवंती। ताप मतलब इस प्रकार, अंतः बही, अंतः बही मतलब अंदर, बही मतलब बाहर, साक्ष्य मतलब साक्ष्य को, अनुसृत मतलब अनुसरण करके, समीक्षिका मतलब आलोचक, कवि परिचय मतलब कवि के परिचय को, यावत मतलब इस प्रकार, इच्छिका मतलब इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, प्रस्तुवंत मतलब प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अंदर बाहर के साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षक कवि का परिचय अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करते हैं।